इस्लाम में ईद मिलाद उन नबी का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह उत्सव इस साल 16 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। यह दिन विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद के जन्म का प्रतीक है। माना जाता है कि यही वो खास दिन है जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऐसे में इस खास मौके पर लोग एक दूसरे को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर में मुस्लिम समाज ने सोमवार को ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया। मोमिनपुरा मस्जिद में एकत्रित होकर धार्मिक नारों के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। समाज के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में समाज के युवा व बच्चे हाथों में धार्मिक अलम व नारे लगाते हुए चल रहे थे। बड़ी संख्या में समाज के लोग जुलूस में मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा के तौर पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी देखा गया है। इस्लाम में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन ये एक शुभ दिन के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद इनका जन्मदिन हुआ था ऐसी मान्यता है। और ये दिन जो है अपने परिवार वालों को, दोस्तों को शुभ संदेश दिया जाता है, और उसके ही जश्न में जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमिनपुरा से यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है। और हर बार जो है जुलूस निकाला जाता है इस दिन, और आज भी ये जुलूस निकाला जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर जो है लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं और आज का दिन जो है वो मना रहे हैं, एक दूसरे को जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं इस दिन की। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हम देख रहे हैं कि मोमिनपुरा परिसर से जुलूस निकाला जा रहा है। क्या बताओगे आज के दिन? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है, यानी बर्थडे का दिन है, और इसी खुशी में सारे जहां के अंदर हम जुलूस मिलाद निकालते हैं। ये जुलूस मिलाद इंशाल्लाह हर जगह निकाला जाएगा और हर जगह निकाला भी जा रहा है। यही हमारा खराज अकीदत है, यही हमारी खुशी है कि हम अपने आका की मोहब्बत में उनके बर्थडे के दिन जुलूस निकालकर खुशी का इजहार करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। जी मैं मोहम्मद उजैर रजा, मेरा नाम है। क्या बताओगे आज के दिन, क्या शुभ संदेश देना चाहोगे आप? आज के दिन हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तशरीफ लाए हैं, और उनका ये पैगाम है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए मोहब्बतें पैदा करो, और जो गरीबों से मोहब्बत करो, किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से मोहब्बत ना करो, किसी बेवा के सामने अपने बीवी से मोहब्बत ना करो, बल्कि गरीबों के भी साथ दो और लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। ये मेरे नबी का ये आलीशान फरमान है जो आज के दिन तशरीफ लाए हैं, उनकी खुशी में हम चल रहे हैं। हमने देखा कि आज के इस खास मौके पर मोमिनपुरा, उपराजधानी नागपुर के मोमिनपुरा परिसर से ये जुलूस निकाला जा रहा है और शुभ संदेश दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।